शाम के 7:15 बजे हैं और रेडियो द्वारका फटाफट का समय हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कहां पे हुआ प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक, किस एनजीओ के मेंबर्स ने की लंच ऑन मीटिंग, दिल्ली पुलिस और ब्रह्म कुमारीज ने मिलकर कहां पर और किस चीज के लिए चलाया कैंपेन, स्कूल्स के स्पेशल चिल्ड्रन ने टीडीए और एनजीओ के साथ कहां पर मिलकर किया प्लांटेशन, और 10 सेकंड के ब्रेक के बाद सुनाते हैं कि क्या कहना है डॉक्टर कस्तूरिया का लीवर के बारे में। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। आइए सुनते हैं डॉक्टर कस्तूरिया से क्या कनेक्शन है लीवर और मोटापे के बीच में। बिना शराब के सेवन के भी हमारा लीवर फेल हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो कि प्रोग्रेस होकर सिरोसिस में तब्दील हो सकती है, और ये बीमारी मोटापे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मेरी ये सबसे सलाह है कि यदि उनका वजन ज्यादा है और वे शराब का सेवन नहीं भी करते हैं तो साल में एक बार अपने पेट का अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन की जांच जरूर कराएं। द्वारका सेक्टर 14 स्थित पार्क में आज मास ट्री प्लांटेशन किया गया, जिसमें सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल और प्रगति पब्लिक स्कूल के स्पेशल बच्चों ने पार्क में पौधे लगाए, और साथ ही डीडीए तथा एनजीओ मासूम दुनिया ने भी अपना सहयोग बच्चों को देते हुए पार्क में ट्री प्लांटेशन किया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती रहती है, उसी के चलते अभी हाल ही में उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के साथ मिलकर अभी हाल ही में द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो ड्रग्स और शराब के नुकसान को बता रहे हैं, और इसके लिए उनकी टीम जेजे क्लस्टर एरिया में जाकर लोगों से मिल रही है, उनको समझा रही है, उनको बता रही है, और उसके साथ साथ वहां पर नुक्कड़ नाटक भी कर रही है। इन नाटकों को देखने के लिए बहुत लोग और बच्चे वहां पर आते हैं और एक अच्छा मैसेज लेकर अपने साथ वापस जाते हैं, और नाटक खत्म होने के बाद वहां पर जो पब्लिक होती है, जो बच्चे यंगस्टर्स होते हैं, उनको एक एग्जीबिशन भी दिखाई जाती है जिसमें कि नशे और ड्रग्स को लेने के जो बुरे प्रभाव हैं उनको बताया जाता है। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। 27 जुलाई को एज वेल एसोसिएशन के मेंबर्स ने मंथली कंट्रीब्यूटरी लंच मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। इस मीटिंग में कुछ मेंबर्स के बर्थडे और कुछ मेंबर्स के मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। इस मीटिंग में नए मेंबर्स का भी वेलकम किया गया। इस तरह की मीटिंग से लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, और एनजीओ के प्रेसिडेंट आई.एम. खन्ना ने कहा, इस लंच और मीटिंग का इंतजार हर सदस्य को हर मंथ रहता है। सेक्टर 23 स्थित हनुमान द्वारका मंदिर में सोमवार को रुद्राभिषेक हुआ। इस रुद्राभिषेक में बहुत भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह एक विशेष दिन था, एक तो सावन का सोमवार था और उसके साथ साथ प्रदोष का व्रत भी था, जिसके चलते आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में इस पूजा में लोगों ने भाग लिया, और यह पूजा करीब 3.5 घंटे की होती है और लोग बहुत ही श्रद्धा से इसमें भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।